इस वक्त हमारे साथ हैं हनीफ मोहम्मद के बेटे शोएब मोहम्मद, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ ये गल? क्या कल हुआ? क्रिकेट का कत्लेआम हुआ क्या है? ये क्रिकेट का कत्लेआम इसी को तो कहते हैं ना। ये देख लें आप, जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती और बदनामी हुई। बेइज्जती मतलब? और आज के अखबार अगर आप पढ़े ना बाहर के मुल्कों के, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो आंखें खुल जाएंगी। हेडलाइंस में है पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट। पाकिस्तान तो हमेशा हेडलाइंस में रहता है, लेकिन कभी अच्छी खबर नहीं होती पाकिस्तान की तरफ से। और ले दे के जो कमी रह गई थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल पूरी कर दी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया पाकिस्तान। और शाम को 5 बजे उन्होंने कहा, नहीं लगा तो है, पहले सुर्खियां बन गई हर जगह न्यूज चैनल्स में, ये आ गया जी, ब्रेकिंग न्यूज आ गई, मोहम्मद यूसुफ को और यूनुस खान को जो है। उसके बाद एज यूजुअल एजाज भट्ट साहब यू टर्न ले गए और उन्होंने अपने बयान तोड़ मोड़ कर बदलने की कोशिश की। बयान तो लगा है लेकिन हट भी सकता है, मतलब क्या हो क्या रहा है, आप मुझे बताएं। आई मीन I'm completely blank in this regard. To be very honest, there was no need for such this statements. Drama. और वो जिस तरह एक Turkish saying भी है, जिसका मतलब ये है कि if you have turned into a wrong direction, turn around. There is always a chance. आप गलती तो हर एक से होती है, आप गलत, लेकिन time and again, और I mean they are standing on a road to nowhere वाली बात है। कहीं भी कहीं कोई direction नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि इतना mayhem मच गया हुआ है for such a long period of time. और कल तो मतलब इंतहा ये हो गई। इट वाज अ ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जिस तरह मतलब इतनी बड़ी ज्यादती इतने बड़े प्लेयरों के साथ, अगर आपने 20 लाख का वो जुर्माना शुएब मलिक और राणा के ऊपर किया, उन्होंने आफरीदी के ऊपर इन्होंने किया, वो तो सारी ICC के रूलिंग के हिसाब से देवर फाइन देर एंड देन। There was no need. अगर जरूरत थी तो इंटरनल तरीके से कर लेते ताकि इतना chaos नहीं मचता। पहले भी वो फाइन दे चुके हैं, उसके बावजूद फिर एक और मैच रेफरी ने शायद आफरीदी पे फाइन लगाया 2 मैच का, वो अपनी सजा भुगत चुके, फाइन उनका मुकम्मल हो गया, हो चुका। अब एक जुर्म पर बार बार तो नहीं हो सकता ना। कल को मैं कहूँ जी मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ सिंध का और आफरीदी सिंध में रहता है, मैं इसको 3 साल क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा, परसों को जी चीफ जस्टिस बोलेंगे जी, इस तरह तो हर कोई शुरू हो जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं होता। यू कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर 1 क्राइम, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि अगर शायद आफरीदी कोर्ट में चले जाते हैं ना, तो ये PCB का डिसीजन 2 मिनट में रिवर्ट हो जाएगा, एक ही हियरिंग में खारिज हो जाएंगे, एक ही हियरिंग में। पहले दिन PCB के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ, उनकी इस एक्ट के खिलाफ क्या कौन आवाज़ उठाएगा? पूरे मुल्क ने आवाज़ उठाई है। पूरे मुल्क में कल इत्तेजाजी मुजाहरे हुए हैं, लोग सड़कों पर निकल आए, लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी तोहीन हुई है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तोहीन हुई है। देखें यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ या शोएब मोहम्मद जैसे ऐसे क्रिकेटर्स जो ना एक दिन में नहीं पैदा होते, इनको बनाया जाता है। पहले यहाँ मैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, मैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का सदर हूँ, मुझे पता है बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनको ग्रूम करते हैं, बड़ा करते हैं, जब वो अच्छा खेलने लगते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट PIA हबीब उसमें जाते हैं, उस वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, वहाँ वो पॉलिश होते हैं, उन पर निखार आता है, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट में जाते हैं। तो एक ये प्रोसेस होता है जिसके तहत हम एक बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं, उसको आप हीरो से जीरो 1 मिनट के अंदर कर दें, और वो भी इस तरह से मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान जैसे जिन पर कोई इल्ज़ाम ही नहीं। देखें क्रिकेट में मैंने हमेशा कहा है कि 2 जुर्म बड़े होते हैं, एक होता है बॉल टेम्परिंग और एक होता है मैच फिक्सिंग। मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान पर ना बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम है, ना मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम है। ये आपस में लड़ाई झगड़ा पर आप कह रहे हैं कि जी आप पर लाइफ बैन लगा दिया या आप पर इनडेफिनेट बैन लगा दिया, मजाक है क्या? कि एब्सोल्युटली बिल्कुल मेरे तो नज़र में घर में 2 भाई भी लड़ जाते हैं। आपके पास शुरू करने से पहले सिर्फ इतना बताऊंगी, मैं शेयर करना चाहूंगी कि एक आम जो पाकिस्तानी है, जो क्रिकेट का फैन है, दीवाना है अपने क्रिकेटर्स का, जो मतलब पागल होता है अपने जब उसके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं मुल्क के, उसके दिमाग पर या उसकी सोच पर जिसकी वजह से वो क्रिकेटर बना है आज, उसके ऊपर कितना असर पड़ता होगा? मोस्ट डेफिनेटली इस किस्म की चीज़ ये लैकनेस, ब्रिटलनेस शो करती है, एज इफ दे आर स्टैंडिंग ऑन थिन आइस। जिनकी स्टैंडिंग ना हो, फुटिंग ना हो, बेस सॉलिड ना हो, उनसे आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द PCB मैनेजमेंट दे हैव बीन डूइंग फॉर सच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जिस तरह लीडिंग बाय मिस्टर वसीम बारी हिमसेल्फ, ये अपनी गलतियों को डाइवर्जन देने के लिए दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स अराइजेस एवरी नाउ एंड देन फ्रॉम द PCB। ये अपनी ओन पेटी मिस्टेक से लेके बड़ी से बड़ी मिस्टेक को जो हाइड करने के
डाइवर्जन्स होते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसा चीज़ अनाउंस कर दी कि लोग उसके ऊपर डाइवर्जन। ऑस्ट्रेलिया से इतना बुरा हारने के बाद इनके ऊपर जब एम्फेसिस आए तो दे केम आउट विद सम अदर थिंग। और मतलब अगर हम विल डिस्कस इट लेटर ऑन द प्रोग्राम कि किस तरह इन्होंने इनकी इनकॉम्पिटेंसी जो मैं कह रहा हूँ विच स्टार्ट्स विद द कैपिटल आई मतलब इट गोज ऑन फॉर सच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट स्ट्रेचेज इनटू इयर्स एंड इयर्स। इनकी ही डिडंट आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर बारी आई एम सॉरी टू से फेलो क्रिकेटर बट येट जो मिस्टेक्स हैं जो अब एक चीज को कितनी दफा हाइड करेंगे आप अगर आप मेरी कोई मिस्टेक है तो अगर हम फेलो क्रिकेटर्स सर अगर हैं तो आप थोड़ा बहुत तो कवर कर सकते हैं लेकिन ये कि थोड़े दिनों के बाद यू आर गोना एक्सपोज योरसेल्फ। टी20 के चैंपियंस थे जी हमारे ये टी20 के चैंपियंस थे। मुझे बात बताइए कि हमने पीसीबी से भी इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और वहां से किसी ने भी हमसे रابطे में आने से इनकार कर दिया और शो से भी आने शो पे चोर जो होता है ना वो हमेशा अवॉइड करता है छुपता है फेस थोड़ी करता है इनके अंदर इतनी करेज नहीं है कि फेस करता है। ये चोर सिर्फ पीसीबी को पूरे कह रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे को। अब देखें ना जो काम चोरी के ही काम हो रहा है ना वहाँ कौन से ईमानदारी के काम हो रहे हैं वहाँ पर जितना मिसमैनेज ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स हो रहा है वहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पर बिल्कुल वन मैन बिल्कुल शो है जो मर्जी आए करते चले जाए प्योर डिक्टेटरशिप का माहौल है। तो ये तो ये इंक्वायरी कमेटी वन मैन शो यानी कि जॉस बट की बात कर रहे हैं बिल्कुल जनाब। और ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी है और जिसने ये फाइंस लगाए हैं सिफारिशात की है मैं तो कहता हूँ कि मैं सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब से अपील करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू कि इस इंक्वायरी कमेटी की इंक्वायरी की जाए इंक्वायरी कमेटी की भी इंक्वायरी की जाएगी करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर साबिक मैनेजर देखें इसमें वो लोग थे जो पहले मैनेजर और कोच और ये सब रह चुके हैं तो इन लोगों की तो इन प्लेयर्स के साथ पहले से ग्रज चल रही थी। ये तो बड़ा अच्छा मौका था बदला चुकाने का जो उन्होंने उनका चुकाया तो मैं समझता हूँ इस इंक्वायरी कमेटी की इंक्वायरी होना चाहिए और ये बिल्कुल बायस कमेटी थी ये इंडिपेंडेंट और आज़ाद इंक्वायरी कमेटी नहीं थी और इन्होंने प्लेयर्स को अपना मौकफ पेश करने की सही पोजीशन में नहीं लेकर आए उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए। कल रात में पता चला एजाज अहमद साहब ने तो ये भी कहा है कि मुझसे तो मशवरा किया ही नहीं हमसे तो बात की नहीं है तो उन्होंने खुद ही फैसला ले लिया। एजाज भट्ट साहब की किसी बात का दीन ईमान है ही नहीं वो दो मिनट में या तो भूल जाते हैं बाबा ज़ईफ इतने हो गए उनको याद ही नहीं रहती बात उनकी गलती भी नहीं है। क्या कह रहे हो ये माशाल्लाह 74 साल के हैं तो अल्लाह अल्लाह करने का टाइम है उनको तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए वो तो देखें एक अच्छे आपकी नज़र में किसको होना चाहिए। मैं समझता हूँ एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास विजन हो जो डायनेमिक आदमी हो जिसके पास कोई मंजिल हो जो कोई सोच हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस वक्त एक ऐसी किश्ती है जो समंदर में चल रही है ना इसके अंदर चल रही है कोई देखने इसमें इंजन ही नहीं है इसमें ना इंजन है ना इसके अंदर मल्ला है हवा के दोष पर पानी की लहरों में जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं मेरा इसमें ये व्यू पॉइंट है कि देयर इज ऑलवेज टू साइड ऑफ अ स्टोरी जिसके अंदर जिसकी असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक व्हेन देयर इज अ डे देन देयर इज अ नाइट पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ब्लैक के साथ वाइट अटैच होता है। कुदरत ने भी इस चीज को सामने रखा हुआ है। यहाँ आपने वो कमेटी बनाई है एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व विद द पीसीबी इन सम वेज ऑर द अदर तो जब नेचुरली अगर आप एक बॉडी के सारे लोग उस मैनेजमेंट के अंदर आप रखेंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट वर्जन आफ्टर ऑफ थिंग व्हिच गोज अगेंस्ट पीसीबी। क्यों लगता आप है आपको कैसे अगेंस्ट कर सकते हैं आप अपने डिसीजन नहीं लेंगे तो नेचुरली यू आर बाउंड टू गो मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं किया मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व नहीं किया। इस कमेटी में ज्यादातर वो लोग हैं जो पेड एम्प्लॉइज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब अपने मुलाजमीन को आप कमेटी में बना दिया तो वो तो एजाज भट्ट तो उनके लिए माई बाप की हैसियत रखते हैं ना वो तो वही कहेंगे जो एजाज भट्ट। कमेटी होना चाहिए इंडिपेंडेंट आजाद इसमें होना चाहिए कोई टेस्ट क्रिकेटर्स कोई हाई कोर्ट का जज तो उसका कोई क्रेडेंशियल होता क्रेडिबिलिटी होती। इस कमेटी की तो दो पैसे की वैल्यू नहीं है ये तो पेड एम्प्लॉइज है मुलाजमीन जो है वो कमेटी में रखे। अगर मैं आप लोगों से बात कहूँगी कमेटी में जो शामिल है उन्होंने मेरे ख्याल जिंदगी में कभी गेंद की शक्ल नहीं देखी होगी तो क्या ये बात सच है? नहीं कुछ ने तो देखी है लेकिन आप काफी मैं कह रही हूँ या कोई भी जी नहीं अगर नेचुरली कुछ लॉयर्स हैं या कुछ इस तरह की बॉडीज हैं उन्होंने एक दो ने तो देखी वो लीगल एडवाइजर है तफजुल साहब उसके अंदर उनकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप बाकी देखें इसमें होना चाहिए टेस्ट क्रिकेटर को जो क्रिकेट को समझते हैं ये बात समझ में आ रही है कितनी क्रिकेट देखी और न्यूट्रल इसमें होना चाहिए आरिफ अब्बासी टाइप के आदमी को जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं क्रिकेट को तो ऐसे लोगों को इसमें होना चाहिए था ज़हीर अब्बास हैं जावेद मियांदाद साहब जावेद मियांदाद को होना चाहिए उस बेचारे शरीफ आदमी को एक दीवार से इन्होंने लगाया हुआ है कहते हैं वो डायरेक्टर जनरल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो पैसे की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी ना उनके पास कोई प्रॉपर हाथ में कुछ भी नहीं दिया पावर नहीं है कुछ भी नहीं है।